इधर दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से लगभग 14 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से एक 6 महीने का बच्चा भी है जो अपनी मां की गोद में है। बिहार के दरभंगा की इस तस्वीर में कहानी सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा कोविड पॉजिटिव है, बल्कि कहानी मां की ममता की भी है। ऐ मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। महान गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी यह पंक्ति इस मां पर सटीक बैठती है। इस तस्वीर में एक मां है और उसकी गोद में 5 महीने का मासूम। आप कहेंगे ये तो आम बात है, लेकिन जब आप इस मां की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके मन का ये भाव पल भर में बदल जाएगा। आपको पता है ये बच्चा कोरोना पॉजिटिव है और मां नेगेटिव, यानी जिस मां ने अपने लाडले को गोद में ले रखा है, जिस मां ने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने हाथ से ऑक्सीजन मास्क थामा है, वो मां स्वस्थ है। उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बावजूद इसके उसने अपने लाल के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बच्चे की तकलीफ, इस बच्चे की चीख, इस बच्चे का अकेलापन, इस बच्चे का दर्द मां से सहा नहीं गया। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ये मासूम 2 दिनों तक अकेला रहा। रात रात भर रोता था, मां के दूध के लिए बेचैन था। इस दौरान मां आइसोलेशन वार्ड के बाहर रहती थी, रात रात भर बेटे के रोने की आवाज सुनती थी और बिलख बिलख कर रोती थी। 2 दिन बाद माँ से रहा नहीं गया, वो जा पहुंची अपने बेटे के पास, उसे गोद में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया। अच्छी बात यह है कि बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन सूरत के इस पिता के दुख का सामना देश कैसे करेगा जिसकी गोद में 14 दिन की बच्ची का शव है। इस पिता को सांत्वना देने का साहस हमारा समाज कैसे करेगा जिसने अपनी लाडली के शव को सीने से लगा रखा है। ये बच्ची जन्म के 2 दिन बाद ही संक्रमित हो गई। सूरत के डायमंड अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था। शहर की पूर्व मेयर ने बच्ची की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दिया, लेकिन जान नहीं बच सकी। कहा जा रहा है कि बच्ची के जन्म के समय माँ में कोरोना के लक्षण थे। सूरत में बीते 3 दिनों में कोरोना संक्रमण से 3 नवजात की मौत हो चुकी है, जबकि 30 दिनों में 10 साल की उम्र तक के 286 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में हर जरूरी नियमों का पालन कीजिए। आप खुद कोरोना नियमों का पालन करेंगे तो आपको देखकर बच्चे भी इसे अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।